सलाम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सॉलिड वर्क के अंदर किस तरीके से हम एक हेलिकल स्प्रिंग बना सकते हैं। आपने यहाँ पे स्केच पे सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपका टॉप प्लेन लेना है। टॉप प्लेन लेने के बाद यहाँ से आपने स्केच को प्रेस करना है और ये सर्कल का बटन दबाना है। आपने क्लिक किया, उसके बाद इसका आपने साइज डायोमीटर बता देना 5 mm। ओके करेंगे, यहाँ से आप फीचर्स में जाएंगे, फीचर्स से आप कर्व्स में जाएंगे। कर्व्स में आप ये देखेगा हेलिकल स्प्रिंग हेलिकल एंड स्पाइरल लिखा हुआ है। क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा कि आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट पेज और वेरिएबल पेज आ गया है। कुछ वैल्यूज हैं आप डिफरेंट यहाँ पे दे सकते हैं। ये रेवोल्यूशन है, अगर हम इसके रेवोल्यूशन कर देते हैं 7, ये देखिएगा कि यहाँ पे ये रेवोल्यूशन आ गई। इसकी वैल्यूज आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, हो गया। उसके बाद आप यहाँ से ओके को प्रेस करेंगे तो ये देखिएगा कि एक स्प्रिंग का आपके पास स्केच बन गया। अब यहाँ से आप राइट और फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट करें, उसके बाद आप यहाँ से ये देखिएगा ये राइट प्लेन आ गया। यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि स्केच का बटन प्रेस करना है और ये सर्कल यहाँ से आपने लेना है। ये सर्कल लेके इसकी यहाँ पे आपने सर्कल आपने यहाँ पे डिफाइन कर देना, ठीक हो गया। ये आपका सर्कल बन गया। यहाँ से अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से आपने फीचर्स टैब में जाना है, यहाँ पे आपको स्वीप बेसिक कमांड आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा इसने ऑटोमेटिकली ये सर्कल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसकी जो हेलिकल स्प्रिंग की डायरेक्शन है वो आप इसको डिफाइन करेंगे और जस्ट आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा कि आपके पास जो स्प्रिंग का जो डायमीटर है ये वो आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो पहले मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब।